देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। पर अभी इन धामों तक सिर्फ सड़क के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। पर अब उत्तराखंड में बन रहा है एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से इन चारों धामों तक पहुँचना अब और भी आसान होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में और बताऊँगा कि कहाँ बन रही है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग और इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा मोटर वाहन पुल। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको पसंद आएगी। करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी रेल टनल जो बनने जा रही है, और यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। यह यहाँ पे मलबा फेंका जाता है और ये देखिए सामने, तो ये है वो प्रोजेक्ट। पे 2 किलोमीटर दूर है देवप्रयाग, वो जो कॉर्नर ले रही है वो देवप्रयाग है, नीचे गंगा जी जा रही है। और ये आप एरिया देख रहे हैं, सामने है टनल। ये इंडिया की सबसे लंबी टनल है जो यहाँ से शुरू होगी और आगे लक्ष्मोली एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके खुलेगी। लगभग 14.5 या 15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी, सोचिए। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी टनल बनेगी और जोरों शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। तो अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोग्रेस और ज़्यादा हुई है। मैं ये अपडेट इसलिए दिखा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि थोड़ा काम कितना बड़ा है। ये है इंडिया की बिगेस्ट टनल, सबसे लंबी टनल यही बनेगी। और इस तरीके से आप देखिए सारा काम पूरा यहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है, और मैंने बोला है ना, मशीनें हाई क्वालिटी की, हाई लेवल की, हाई टेक्नोलॉजी का सबका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। और ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, आप इंडिया में कहीं से भी हो, ये वीडियो आपको अपने भारतीय होने पे गर्व कराएगी कि हिमालय पे अब रेल चलेगी। इस तरीके से काम चल रहा है देखिए, और नीचे गंगा जी आप देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। रेलवे इस प्रोजेक्ट में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, लैंडस्लाइड, बारिश या किसी भी तरीके की चीज़ों से पहाड़ों को नुकसान ना हो। जो टनलों को बनाया जा रहा है वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है कि या फिर रेल की आवाज़ वगैरह ये सब का ध्यान रख के बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और ऊंची तकनीक जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। हाई मशीनें यहाँ पे लगाई जा रही है, मतलब इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना इस प्रोजेक्ट में रेलवे द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये से काम चल रहा है और ये है टनल, मेन टनल। दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ श्रीनगर के वो सबसे बड़े पुल पर जो अलकनंदा के ऊपर बना रही है रेलवे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा पुल है। और इस प्रोजेक्ट में शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, कुल मिला के 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ सबसे बड़ा पुल, और सामने है श्रीनगर। देखो बहुत बड़ा पहाड़ी शहर है गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल। और ये आप जो देख रहे हैं सबसे बड़ा ये अलकनंदा पे ये ब्रिज बनने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसी की तरफ मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ। ये है वो ब्रिज, और देखिए ये है सामने श्रीनगर, एक मोटर मार्ग बनाया जा रहा है, ये होगा गाड़ियों के लिए। और वो देखिए वो सामने दिख रहा है, ये है सबसे लंबा ब्रिज जो श्रीनगर और चौरास को जोड़ेगा, और ये ऊपर से निकलेगा अलकनंदा के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी सामने। बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी, कम से कम ये 250 से 300 मीटर लंबा ये ब्रिज होगा, आप देख सकते हैं। ये अलकनंदा अभी बहुत शांत है, देख सकते हैं आप, अलकनंदा भी बहुत शांत है वरना बढ़िया तरीके से चलती है। और सामने ये है डैम जो श्रीनगर चौरास में डैम बना हुआ है, और वो है सबसे बड़ा पुल। चलिए आपको ये पुल दूसरी साइड से दिखाता हूँ, मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से अभी मैं आपको नीचे लेके आया हूँ। वैसे तो यहाँ पे अलकनंदा बहुत ही ज़्यादा बाहरों में रहती हैं और ये कर रहे हैं लेबर काम, तो अभी भी देखिए आप पिलर बनाने का चल रहा है काम, बढ़िया। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जब बनेगा तो देखने लायक होगा। देखिए किस तरीके से मजदूर अभी पिलर बनाने के काम कर रहे हैं और सरियों को लगाया जा रहा है। और वो जो देख रहे हो सामने वो मोटर मार्ग है, वो भी रेल बना रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस तरफ ले आया हूँ क्योंकि उस छोर से उतना क्लियर दिख नहीं रहा था, तो अब आप ये देख सकते हो ये बन रहा है रेलवे का ब्रिज, सबसे बड़ा ब्रिज इस प्रोजेक्ट का, जो वहाँ से शुरू होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये यहाँ से होके जाएगा, और ये देखिए ऐसे करके, और ये थोड़ा सा कर्व लेगा वहाँ तक,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी लंबाई, बहुत लंबा पुल होगा ये। ये देखिए, तो नीचे इसमें पिलर के काम तो चल रहे हैं, काफ़ी हद तक पिलर के काम हो गए हैं, बीच में दो तीन पिलरों के काम रह गए हैं और फिर वहाँ से ये जुड़ जाएगा। तो ट्रेन जब आया करेगी तो ऐसे करके निकल जाया करेगी, और देख रहे हैं आप, तो गार्डर का काम यहाँ तक हो चुका है। सिंगल लाइन ही रहेगी ये, पर रहेगी ब्रॉडगेज और नीचे अलग नंदा। ये आप देख रहे हैं, ये लास्ट पिलर है, यहाँ से शुरुआत होगी और ऐसे करके निकल जाएगी। और ये देखिए पिलर, गिनते जाइए आप कितनों का काम हो चुका है। अभी इसका काम थोड़ा रह रहा है, बीच में लेबर देखिए आप लगी हुई है, क्रेन वगैरह सब लगी हुई है, काम चल रहा है रेलवे निगम द्वारा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट, जिसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है उत्तराखंड के लिए। तो दोस्तों, यही थी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की एक अपडेट की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसे मत जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।